Doctor? 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 Doctor auntie? Doctor? Doctor? इसका मतलब चांदार को पता चल गया, ये उसी का काम। खिलाफ गवाही देने जाने तो मुझे जान ले लूंगा पर जाने नहीं दूंगा। खबरदार जो यहां से निकलने की कोशिश भी की तो एक बार केस खत्म हो जाए फिर तो मजाक। बांध कर रखो इसे, मैं जा रहा हूं जगराते पे। बोलो जय माता की। जय माता दी। छोड़ छोड़ मुझे। चुप छोड़। दिया यहीं रुको, हम जरा असिस्टेंट से मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछ कर आते हैं। यहीं रुकना। हाँ और जब तक मैं ना बोलूं तुम लोग अपना मुंह मत खोलना, समझ में आया? हेलो दिया जी। हेलो। क्या बात है, आप तो हर चैनल पे शाइन हुई। यू हैव बिकम अ स्टार। बाय द वे यू आर लुकिंग टू हॉट। पर एक रेप केस के चलते हुए क्या हासिल हुआ ये डर्टी पिक्चर पब्लिक को दिखा के? जिनको नहीं पता था उन्हें पता चल गया कि एक अवला नारी के साथ बलात्कार हुआ। खैर ये केस तो ऑलमोस्ट हारी चुके हैं आप। एक मिनट, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही? दरअसल बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि मेरी भी एक बेटी है। एक मशवरा देता हूं आपको, ये तीनों को देख रही हैं? बड़े ही शरीफ खानदान के, बहुत ही संस्कारी, बहुत अच्छे लोग। इनमें से किसी एक को चुन लीजिए, पूरे धूमधाम से आपकी शादी करवा दूंगा। Yeah, you're right. Not a bad idea at all. But again, my bad luck. मैं इन शरीफों के लायक बच्ची कहाँ हूँ? भूल गए आप? मेरा रेप हुआ है। वैसे बात सही कही आपने, ये लोग बहुत शरीफ हैं, बिल्कुल आपकी तरह। एक काम करिए, आप ही इन तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए। और एल्स डू वन थिंग, इन तीनों को ही अपना दामाद बना लीजिए। चॉइस इज योर्स। अपना ये दोगलापन है ना, जाके अपनी बेटी को दिखा। उससे भी पता चलना चाहिए ना कि उसका बाप कैसा है। I'll see you in the court. Hello.
कौन आप? किसे मिलना है? अरे आने दो, आने दो, आने दो। माता का दरबार है, सभी कोई वेलकम है। आओ आओ। डॉक्टर कहाँ है? मैं नहीं सुनिया, माता का दरबार चल रहा है, बोलो जय माता की। आने वाले भी जय माता की और जाने वाले भी बोले जय माता की। चुप कर दूंगी, मुझे पता है ये खटिया खेल तेरा। पता डॉक्टर का? शायद हॉस्पिटल में होगी। झूठ मत बोल जानदार। झूठ? माता के दरबार में झूठ? नहीं। अपना नाटक बंद कर। नाटक तू बंद कर बेटा। माता का दरबार है, शोर मत मचा। जानदार, जानदार। ओ, इतनी बुलंद आवाज। अगर मैं भूल नहीं रहा तो तुम्हारी न्यूज एजेंसी का नाम आवाज। बट बेटा तुम ये भी मत भूलो कि हमारी ताकत का अंदाजा हमारे शोर से नहीं बल्कि दुश्मन के शोर से होता है। ओए, इसे अंदर आने मत देना। जय माता की बोल बेटा, जय माता की। भवानी बुला रही है। जय माता की, जय माता की। माता रानी, मुझे दिया को हर हाल में बचाना है। आज अगर एक औरत होकर मैंने दूसरी औरत की मदद नहीं की तो धिक्कार है। देवी माँ मदद करो। हे माता रानी, आपके होते हुए भी शैतान का पड़ा भारी है। वक्त बहुत कम है मेरे पास, कोई तो इशारा दो। कहाँ है डॉक्टर? हो सकती है डॉक्टर आंटी। शौर्य, हेल्प मी प्लीज। सुनो, एक और बार फोन ट्राई करता हूं। मेरा फोन। छोड़। हेलो, हेलो, मिल गया ईशान। मेरा शक सही निकला, शानदार ने डॉक्टर को इसी घर में कैद किया। यहां तो सिक्योरिटी भी टाइट, अंदर कैसे जाऊं? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन टू प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मिस दिया तिवारी केस
इस केस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। ये केस जो समाज की हर लड़की के लिए एक उम्मीद बन गया है, ये केस जिसके फैसले का हर इंसान को इंतजार है, और आज आपने उस केस की हमें आखिरी तारीख दी। विराट, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हमारे इस केस में एक अहम आई विटनेस था, करण त्रिपाठी, जिन्होंने आपके सामने इन तीनों की शिनाख्त की थी, जिन्होंने भरी कोर्ट में ये बयान दिया था कि जिस रात मिस दिया तिवारी के साथ ये हादसा हुआ, उस रात काफी देर तक इन तीनों के साथ उसकी हाथापाई हुई थी, और फिर इन तीनों ने मिस दिया तिवारी का रेप किया। लेकिन पिछली तारीख को करण त्रिपाठी ने अपना बयान बदल दिया। करण त्रिपाठी ने इन तीनों को पहचानने से इनकार कर दिया। पिछली बार भी हमने कहा था मिलोर्ड, और आज भी हम कहते हैं कि करण त्रिपाठी झूठ बोल रहा है, और करण त्रिपाठी इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि वो बिक चुका है। मिलोर्ड, मैंने भी पिछली बार यही कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ कि मिसेज उर्मी झूठ बोल रहे हैं। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड। आप खाली ऑब्जेक्शन ही करती रहेंगे या फिर अदालत में कोई ठोस सबूत भी पेश करेंगे? क्या सबूत है आपके पास कि करण झूठ बोल रहा है? मिस्टर निगम, हम जानते हैं कि अदालत को सबूत की जरूरत है, और इसीलिए आज हम सबूत साथ लेकर आए हैं। मिलोर्ड, हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि सबूत के तौर पर इस सीडी को प्ले करने की हमें इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू। क्यों दी तूने कोर्ट में झूठी गवाही? शर्म नहीं आई करण तुझे? दिया को केस जिताकर मुझे क्या मिलता? और हरा कर क्या मिल गया करण? पैसा। मुझे ये बता, वो है कौन? अरे माँ, क्या पीछे पड़ गई तुम? एक बार बोल दिया ना कि नहीं है कोई, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, और तुम क्या मेरी जासूसी कर रही हो क्या? थैंक यू मिलोर्ड। इस सीढ़ी में आपने देखा कि करण ये बात चीख चीख कर कह रहा है कि उसने अदालत में झूठ बोला है, उसने अपना बयान बदला है अपने फायदे के लिए, और पैसे के लिए करण त्रिपाठी ने ये किया है। लेकिन शायद आप उस इंसान को नहीं जानते, या उस इंसान का जिक्र इस सीढ़ी में नहीं हो रहा है जिसने करण त्रिपाठी को ये घिनौना काम करने के पैसे दिए, जिसने करण त्रिपाठी को खरीदा है। लेकिन हम आपको आज कोर्ट में बताएंगे कि वो शख्स कौन है जिसने करण त्रिपाठी को खरीदा है। वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स इस शहर का मशहूर और फेमस बिजनेस टाइकून मिस्टर जामदार है। मिस्टर जामदार है। मिस्टर जामदार ने सिर्फ करण को खरीदा ही नहीं, बल्कि मिस्टर जामदार ही वो शख्स है जिन्होंने मिस दिया तिवारी के खिलाफ एक सोची समझी साजिश की है। हेलो, कल को उर्मी जी ये भी कह सकती हैं कि आपको भी जामदार ने खरीद लिया तो? ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस उर्मी, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। यस सर। जज साहब, जो हादसा मिस दिया तिवारी के साथ हुआ वो हादसा ना होते हुए एक सोची समझी साजिश थी, और वो साजिश खुद मिस्टर जामदार ने की। मिलोर्ड, अगर आपको याद होगा तो 3-4 महीने पहले मिस दिया तिवारी ने मिस्टर जामदार के बेटे को हिट एंड रन केस में अंदर करवाया था, तभी मिस्टर जामदार ने मिस दिया तिवारी से बदला लेने का निश्चय कर लिया था, और इसीलिए उन्होंने इन तीनों को हायर किया और इनसे मिस दिया तिवारी का रेप करवाया। और इतना ही नहीं, जब इंसाफ पाने के लिए मिस दिया तिवारी अपना ये केस लड़ रही थी तो हर कदम पर उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की गई। एक मौका नहीं छोड़ा मिस्टर जामदार ने ताकि हम ये केस हार जाएं। वाह, क्या कहानी है माय लॉर्ड, क्या कहानी, और क्या कहानी में ट्विस्ट है। माय लॉर्ड, दरअसल बात यह है कि ये उर्मी जी का पहला केस है। इससे पहले ये अपने घर में बैठे धारावाहिक देखा करते थे, और शायद धारावाहिक की कहानी देखते देखते इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर यहाँ कोर्ट में पेश कर दी। ऑर्डर ऑर्डर। वैसे आपका फेवरेट सीरियल है कौन सा? एक्सक्यूज मी मिस्टर निगम,
मिस्टर निकम, आप अदालत में एक महिला वकील का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। अदालत की मर्यादा का पालन कीजिए। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन आप ही बताइए कि ऐन फैसले के दिन ये सीडी कहां से पैदा हो? इट्स अ फेक सीडी, और ये सीडी दिखाकर अदालत गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाई मुद्दे पे आइए, पुख्ता सबूत दीजिए और ये साबित कीजिए कि ये तीनों ही रेपिस्ट हैं। ये बात तो आज हम साबित करके रहेंगे मिस्टर निगम, और सबूत है हमारे पास। आंटी, ये साड़ी पहनी जल्दी से, हमारे पास वक्त नहीं, मैं बाहर रुका। हाँ ठीक है बेटा। चलिए माता रानी, आज देर नहीं होनी चाहिए। अगर आज देर हो गई तो दिया को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। बचा ले। जल्दी चलते। आंटी नीचे जगराता चल रहा, एकदम नॉर्मल रहेगा, डरेगा मत और लंबा घूंगा। सॉरी, थैंक्स। थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए आंटी। चलिए सुनिए जी, जो चढ़ावा चढ़ाना है उसे प्लीज ले आइए। आप लोग कौन है? हो ना हो आप पूरा काकी और ये मंजू है ना, गांव से आए। अरे पापा नीचे आइए ना। अरे चढ़ावा लेने आया हूं। अरे पापा नीचे है ऑलरेडी चढ़ावा। अच्छा अच्छा, आ रहा हूं। काकी थोड़ी देर में बस आरती होने वाली, आप दोनों आइए। हाँ
आरती तो लेके जाइए भूरा काकी। कट्स, घूंघट उठाओ इनका। मिलाड, ये उस दिन के मेडिकल एग्जामिनेशन के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिस दिन मिस दिया तिवारी का रेप हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी अचानक रिपोर्ट कहां से आ गई? मिसेस उर्मी, आज आपको हो क्या गया? पहले अपने गवाह को झूठा साबित करने के लिए आपने ये सीडी पेश कर दी और अब ये रिपोर्ट। माय लॉर्ड, हम तो सब जानते हैं कि दिया का मेडिकल टेस्ट 7 दिनों के बाद हुआ था एफआईआर के बाद। मिस्टर निगम, हमें बोलने का मौका देंगे? एटलीस्ट मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। गो अहेड। मिलोर्ड, जिस दिन मिस दिया तिवारी का रेप हुआ उसी दिन मिस दिया तिवारी के पेरेंट्स ने डॉक्टर शर्मा को फोन किया। डॉक्टर शर्मा मिस दिया तिवारी की फैमिली डॉक्टर, तो उन्होंने दिया की हालत देखकर उसके पेरेंट्स को दिया को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी। लेकिन समाज के डर से मिस दिया तिवारी के पेरेंट्स ने ये कदम नहीं उठाया। वो नहीं चाहते थे कि अगर ये बात हॉस्पिटल में चली गई तो पूरे समाज को पता चल जाएगा और फिर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये मिलोर्ड मिस दिया तिवारी के पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती थी। और आप जानते हैं मिलोर्ड, जब भी कोई रेप केस सामने आता है तो ये डॉक्टर की फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है कि उस रेप विक्टिम का तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन करके उनके रिपोर्ट्स बनाए, और यही ड्यूटी डॉक्टर शर्मा ने निभाई। उन्होंने दिया का मेडिकल एग्जामिनेशन किया और ये रिपोर्ट तैयार की। वाह वकील साहिबा वाह, कत्ल भी हुआ है और हाथ में तलवार भी नहीं। मानना पड़ेगा, सच को साबित करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। माय लॉर्ड, आज तो इन्होंने ठान ही लिया है कि किसी भी तरह खोद खाद करके कोई भी सबूत लाकर ये इस केस को जीतना ही चाहते हैं। डॉक्टर अभी तक पहुंची नहीं, आई होप शी रीचेस ऑन टाइम। उर्मी जी, शायद आप भूल रही हैं कि ये अदालत, यहाँ पे झूठे सबूत नहीं सच्चे सबूत चाहिए होते हैं। और अगर दिया का मेडिकल टेस्ट हुआ था तो पहले ये रिपोर्ट यहाँ पे क्यों नहीं जमा की? दूसरी बार आपसे कह रही हूँ, पहले हमें अपनी बात खत्म करने दीजिए। गो अहेड। मिला, डॉक्टर शर्मा ने दिया का मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद दिया की मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाई, लेकिन ये रिपोर्ट्स उन्होंने अभी तक अपने पास ही रखी थी। My Lord, पहले चुप रहूंगी और अब जाग उठा इंसान। This is the last time I'm telling you, Mr. Nigam. Let me finish. Mr. Nigam, इन्हें बोलने दीजिए। Thank you, my Lord. डॉक्टर शर्मा ने ये मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक अपने पास ही रखी थी। इसकी दो वजह थी my Lord. पहली वजह, वो नहीं चाहती थी कि दिया के पेरेंट्स को इस बात का पता चले कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई है, क्योंकि समाज में उनकी बदनामी फैल जाती। और दूसरी बात, डॉक्टर है वो, नहीं चाहती थी कि कोर्ट कचहरी के मामले में पड़े। लेकिन जब डॉक्टर शर्मा ने दिया की अपील टीवी पर देखी, तब एक गुड समैरिटन होने के नाते वो खुद रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आई। और इन रिपोर्ट्स में ये साफ साबित होता है कि जो सैंपल दिया के कपड़ों पे मिले थे या दिया पे मिले थे, वो डीएनए इन तीनों रेपिस्ट से मैच करता है। और इस बात से यह साबित होता है कि ये तीनों मिस दिया तिवारी के रेपिस्ट हैं। चलिए, रेपिस्ट हैं, रिपोर्ट्स हैं, हम हैं, आप हैं और अदालत हैं। पर वो आपकी चीफ गेस्ट डॉक्टर कहां है जिसने रिपोर्ट दी? मिलोर्ड, वो बस आ रही हैं। हो सकता है कि किसी वजह से डॉक्टर कहीं फंस गई हैं, वो आ नहीं पा रही हैं। प्लीज हमें थोड़ा वक्त दीजिए, वो आते ही होंगे। मिलोर्ड, माय लॉर्ड, वक्त को इतना भी वक्त ना दिया जाए कि सही फैसला लेने का समय ही निकल जाए। मिलोर्ड, ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आज अगर ये रेपिस्ट छूट गए ना, तो एक लड़की के साथ नाइंसाफी होगी और देश की हर लड़की का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू।
उर्मी जी, एक कहानी आ गई है दादा, लेकिन आपका किरदार नहीं आया। कहाँ है आपकी डॉक्टर? मिलर बस आती ही होंगी। I really apologize for this delay. बस कुछ और मिनट सर। मायलॉर्ड, अदालत का बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो चुका है। अभी ये कहेंगे कि वो डॉक्टर है, हो सकता है किसी अर्जेंट ऑपरेशन में फंस गई होंगी। क्यों मिसेज उर्मी? Maybe you are right, Mr. Deeka. हो सकता है कि वो कहीं फंस गई। मायलॉर्ड, जब कोई डॉक्टर होंगी तब तो आएंगी। अदालत का बहुत समय वेस्ट हो चुका है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अदालत अपना फैसला सुनाए। डॉक्टर नीना शर्मा को कटघरे में बुलाया जाए। ओ, तो मेरे नाक के नीचे से तुम इस डॉक्टर को ले जाना चाहते हो? ले भी जाऊंगा, डॉक्टर गवाही भी देगी और सच्चाई की जीत भी होगी। माता रानी यहाँ तक लाई है तो कोर्ट तक भी ले जाएगी। शायद इसीलिए आज तुझ जैसे शैतान के घर विराजमान। याद रख जामदार, अगर हर घर में एक महिषासुर है, हर घर में एक देवी भी। वाह, बहुत बोलते हो। तुझे मालूम पड़ेगा कि देवी किसके साथ है। छोड़ डॉक्टर को। छोड़ो मुझे। माता रानी के दरबार में खड़ा है, कुछ तो शर्म कर जामदार। माता रानी का दरबार मेरे घर में और हम यहाँ के राजा हैं। तू निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मेरी बंदूक की गोली निकल जाए। ओके, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जा, जा, जा। शौर्या। आई, चुप, चुप। लाना चाहने को? गो। आई, हट पीछे, हट, आगे ले आ। चुप, जा। इज्जत, हट पीछे। ऐ, अपने आदमी को बोल बंदूक फेंक देंगे। ए, कर लीजिए। किल, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। रैक, छोड़ दे, मैं बोलता हूँ बेटे को। अब बोल जय माता दी, बोल। डॉक्टर को छोड़ वरना जिस बेटे के लिए सब कुछ किया ना, यही ठहर हो जाएगा। माता रानी का इंसाफ कोर्ट जाने से पहले यही हो जाएगा। छोड़ डॉक्टर को। तुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा। अपने पापों का भुगतान करने पहले छोड़ता क्या तालू? नहीं नहीं, रुक रुक रुक, मैं भेजता हूँ डॉक्टर को। लेकिन तू प्रॉमिस करके तू मेरे बेटे को कुछ नहीं करेगा। छोड़ता है कि डॉक्टर? देखो, मेरे बेटे को छूना नहीं है। ए, चल चल पीछे। पापा बचा ले। पापा, तू घबरा मत बेटा। पापा बचा लो। ए, पीछे पीछे जाने दे। कुछ नहीं बचा है, आप ये केस हार चुकी हैं।
अपनी जिद को छोड़ दीजिए और फैसला हो जाएगा। डॉक्टर वीना शर्मा हाजिर हो। हे माता रानी, इज्जत रख ले आज। मैं आ गई जज साहब। आपको जो भी बोलना है कटघर में आकर बोलिए। डॉक्टर, अदालत को बताइए कि आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? जज साहब, मैं कोर्ट में आने के लिए निकल ही रही थी, लेकिन मुझे मेरे ही घर में घुसकर किडनैप कर लिया था जामदार के गुंडों ने। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इस खेल का मास्टरमाइंड मिस्टर जामदार नहीं चाहता था वो कि डॉक्टर गवाही देने कोर्ट में पहुंचे, इसलिए उनका किडनैप कर लिया। डॉक्टर वीना शर्मा, जिस दिन दिया का रेप हुआ उस दिन से लेकर आज तक की कहानी आप प्लीज कोर्ट को बताएं। जज साहब, मैं दिया की फैमिली डॉक्टर हूं, पिछले 10 सालों से उनको जानती हूं। अब ये केस आईने की तरह सामने, इस केस की पूरी सच्चाई अब आपके सामने है। गुनाह आपके सामने है, गुनहगार आपके सामने है, सबूत आपके सामने है और गवाह आपके सामने है। हमारी अदालत से दरख्वास्त कि वो इन तीनों रेपिस्ट को और उन गुनहगारों को जिन्होंने इस केस में साजिश रची, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनवाई जाए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी अवतार सिंह, अवधेश पांडे और राजू, इन तीनों ने ही दिया तिवारी का रेप किया है। इसलिए अदालत इन्हें दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कैद की सजा सुनाती है। पुलिस को यह हुक्म देती है कि अदालत को गुमराह करने के जुर्म में मिस्टर करण को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही इस घिनौनी साजिश को रचने के जुर्म में अदालत पुलिस को यह फिर आदेश देती है कि मिस्टर जानदार को हिरासत में लिया जाए।
साइंस आते खा क्यों नहीं रही हो? मैं तो डाइटिंग पे हूँ डियर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मेरे घर आया करो तो ये डाइटिंग का ड्रामा अपने घर छोड़ा है। ओहो, तुमसे तो बातों में जीतना मुश्किल है। चलो ठीक है, ले लेती हूँ। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मम्मी। मुझे यकीन था कि जीत तुम लोगों की ही होगी। जीत सिर्फ हमारी नहीं, आप सबके विश्वास की हुई है मामी जी। I'm very happy for you, दिया। Thanks. Oh, तो ये है दिया तिवारी? जी हाँ, यही है हमारी बहादुर दिया। बहादुर मुझे आपने ही बनाया आंटी। और मशहूर? I mean, उर्मी जी से इंस्पायर होकर तुम तो कंप्लीटली ओपन हो गई हो। और वैसे भी मीडिया ने तो काफी कवर कर दिया है एक रेप विक्टिम को। ये सिर्फ एक रेप विक्टिम की स्टोरी नहीं, क्रिमिनल्स के साथ क्या हुआ ये देखा ना आप लोगों ने। क्रिमिनल मींस बॉयज, उनका क्या बिगड़ेगा? लड़के तो निकल जाएंगे, पर नाम खराब तो लड़की का ही होता है ना। और वैसे भी इस चीज से तुम्हें क्या हासिल हुआ? एटलीस्ट एक अच्छा लड़का तो नहीं? आई थिंक कोई लड़का मिलेगा भी नहीं। तो ना डोली उठेगी और ना वो अरमान बचे होंगे। वैसे अरमानों की डोली ऐसे लड़कों की नहीं निकलनी चाहिए जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। तो प्लीज टेल मी, अब कौन बनाएगा इसे अपने घर की बहू? एक्सक्यूज मी आंटी, आपको इतना इंटरेस्ट क्यों इनकी शादी में? आपको किसी ने जिम्मेदारी दी है शादी कराने की? तमीज से बात करो। पहले तुम अपनी फ्रेंड्स को तमीज सिखाओ दामिनी। इज्जतदार घर की औरतें ऐसी घटिया बातें नहीं करती। इससे पहले आप दिया की इज्जत वापस ले आई। वो हम वापस ले आए हैं। रियली? वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुना आप सबने, दिया की इज्जत वापस ले आए ये लोग। फिर तो दिया की डोली भी उठेगी, उसकी शादी भी होगी, उसकी जिंदगी में एक प्यारा सा लड़का भी आएगा, है ना? चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। इनफैक्ट मैं करती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सब के बेटे कोई तो होगा जो दिया का हाथ थामेगा। मैं दिया का रिश्ता लेकर यहाँ तुम सबके सामने खड़ी। क्या तुमने से कोई दिया को अपनी बहू बनाएगा? देखो भाई सोच लो, रिश्ता मैं लेकर आई हूँ, बात बड़ी है। माफ करना दामिनी, अगर इसका रेप नहीं हुआ होता ना तो तुम्हारा मुंह देख के मैं कुछ सोच भी लेती थी। ओह माफ करना दामिनी, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे तुम, तुम्हारा बेटा तो अपाहिज है ना, तुम ये छोटा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? मेरा बेटा अपाहिज है तो क्या हुआ, ऐसी बहू थोड़ी लाऊंगी। आई एम सो सॉरी, कोई लूला लंगड़ा भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार है। देखो ना, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं एक और बार ट्राई कर लूं। कोई माँ है जो अपने बेटे की शादी दिया से कराए? है तो आ गया।
एक माँ है, एक माँ है। एक रिश्ता है दिया के लिए, एक रिश्ता है दिया के लिए। हम उर्मी ईशान सिन्हा, हम उर्मी ईशान सिन्हा, हम दिया को अपनी बहू बनाएंगे, दिया को अपनी बहू बनाएंगे। सुना आपने, सुना आपने।